ये जो आजादारी पे पथराव होता है, ये जो आजादारी की मुखालफत होती है, ये जो आजादारी से निकट उठते हैं, अब ये खुद एक मौजू है कि इन कई सौ सालों में कितनों के निकाह टूटे और उसके बाद बिलाखिर उस औलाद का हिसाब किताब क्या होगा। और अगर निकाह टूट गए तो क्या इतनी शिद्दत से हर मुहर्रम के बाद निकाह की तकरीब नजर आती है कहीं? होना ये चाहिए कि 11 मुहर्रम से घर घर जो है वो तकरीब तजदीद निकाह की रस्म शुरू हो जाए। ये नाम कितना अच्छा है। अब यहां पर तो निकाह टूट ही चुका है, यहां पर रस्में होनी चाहिए थी उसूलन, लेकिन हमें पता चलता है कि मौलवियों ने डराया कि निकाह टूट जाएंगे। लेकिन हमारे बरादरान अहले सुन्नत, कि अल्लाह इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, उन मौलवियों की बातों में आए नहीं, वरना घर घर निकाह हो रहा होता। इसके माना वो भी समझ गए कि ये सिर्फ डरा रहे हैं, होता कुछ नहीं। यही वजह है कि बहुत बड़ी तादाद पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में, अरब दुनिया में, हर जगह जो है आजादारी इमाम हुसैन को देखती है, लेकिन जो असल मौजू है देखेंगे वो परेशान कितने होते हैं। तो जब इमाम हुसैन की शहादत से इतना परेशान है, मुतमईन हो जाए, इतने ही ये परेशान मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत से, किसी तरह से जब इमाम हसन की शहादत का जिक्र हो परेशान है, और ये बहुत ज्यादा परेशान है जनाब सैयदा के लिए लफ्ज शहादत को इस्तेमाल कर रहे हैं। और पाकिस्तान में आज से 10-15 साल पहले ये बहुत होता था, जब इश्तेहार दिया जाता था अखबारों में, खसूसन जंग में, और लिखवाया जाता था लफ्ज शहादत, तो सुबह लिखा हुआ आता था लफ्ज वफात, क्योंकि वो ये समझते थे कि लफ्ज शहादत किस चीज का सबब बनेगी और क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी इनके लिए। अब जाहिर है कि तसव्वुर करें कि इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अमीरुल मोमिनीन, जनाब सैयदा की शहादत पे तो इतनी मुश्किलात हैं, अब अगर अशरफुल अंबिया की शहादत साबित हो गई तो क्या होगा?